मैं बीपीएच ओके था पर बक नहीं बन रहा था और नो पावर मतलब डेड फोन था। और अगर मैं बात करूं यहां पर मैंने बिल्कुल भी पावर को नहीं छेड़ा, कहीं पे भी कुछ नहीं किया। नहीं तो अब तक कोई और तीसरा चौथा टेक्नीशियन होता तो वही अब तक तो हीट दे देता, पूरा बोर्ड को गला देता, मतलब बेकार ही कर देता। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी बक लाइन चेक की और मैंने अपना सारा वोल्टेज बूट सेकंड चेक किया, जो मुझे लगा कि इसमें सीपीयू का फॉल्ट है। हालांकि मैंने पहली बार वीआईओ चेक नहीं किया था, पर फिर भी मैंने सीपीयू को निकाला और सीपीयू को निकाल कर ये मेरा सीपीयू का वर्जन था तो 0.60 ले रहा है, जो कि एक ईएमसी की रीडिंग है। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों ऑन हो गया, क्या बात है। तो यहाँ हमने सिर्फ सीपीयू चेंज किया है, और इसको परफेक्ट डायग्नोस करके हमने इसको ऑन किया है, तो ये एक काफी अच्छी चीज है दोस्तों, ध्यान रखना हमने सिर्फ सीपीयू चेंज किया है, एमएमसी नहीं। दोनों ही सेम नंबर के आप देख सकते हैं, एक 43 है एक 31 है, वर्जन देख लीजिए आप, तो मुझे मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये 43 मेरे जो लगा हुआ था और ये 31 है। अच्छा सेम मॉडल है, उसके बाद भी वर्जन देखो अलग है, डिफरेंट है। तो एक बार हम सीपीयू चेक कर लेते हैं कि हमारा सीपीयू ओके है कि नहीं। दोस्तों सीपीयू चेक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो एक बार मैं सीपीयू चेक कर लेता हूँ। इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि डायर बनाने में कि क्या उठाऊं क्या नहीं उठाऊं, और ये एक्सपीरियंस ना यही डिलीवर करते हैं हम इंस्टीट्यूट में बच्चों को कि अब देखिये मैं अगर पावर बदलता रहता और तो मेरा शायद काम ना होता और मैं इस बोर्ड को हीट दे दे के ही खराब कर देता। अब देखिए मेरा है ना इस बोर्ड में, ये देखिए, देखो एलडीओ बन गया। तो अब पावर की दबाने पर ये इतना ले रहा है 0.06 और फ्लक्चुएटो के जीरो पे आ जा रहा है। 26 मेगा हर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है, पर अभी के साइड में 38 का आ रहा है। ठीक है, ये इसका नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पे इसका वाईफाई सेक्शन होगा, हालांकि वाईफाई चिप यहाँ लगी हुई है इसकी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये इसका सीपीयू है मुझे देख का पूरी तरीके से बक तो मिल नहीं रहा है। तो अब इसका एक बार सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं, हालांकि मुझे सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर है तो उठाने का कोई मतलब आप लोगों को दिखाने का तो दिखा सकता हूँ ना भाई, सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। मेरे पास आज Redmi Note 8 Pro है और ये भी डेड कंडीशन में है, इसको रिकवर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप नोटिस करो Redmi Note 8 Pro, और यहाँ पर दो पावर आईसी लगी हैं, MediaTek का सर्किट है, अच्छा लेटेस्ट हैंडसेट में माना जाता है ये, और इसको रिकवर करेंगे। इसका बूट सिक्वेंस काफी अच्छा है, अगर मैं बात करूं ये MediaTek का इसका मेन पावर है। पहले आइए इसकी आईसीओ की बात कर लेते हैं, जैसे मैं बताता हूं और समय अपने वीडियो में सबसे पहले बोर्ड की इन्फॉर्मेशन देता हूं। यहां पर 26 मेगा हर्ट्स का क्रिस्टल लगा है, पर अभी के साइड में 38 का आ रहा है। ठीक है, ये इसका नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पर इसका वाईफाई सेक्शन होगा, हालांकि वाईफाई चिप यहाँ लगी हुई है इसकी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये इसका सीपीयू है MediaTek का, और ये इसका एमएमसी है SK Hynix, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसका पावर है सेकेंड पावर, और ये जो लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ये इसका एक चार्जिंग आईसी है, इसमें दो चार्जिंग आईसी है, ये डुअल चार्जिंग आईसी सर्किट है। एक चार्जिंग आईसी ये भी है, एक ये बीपीएच बना रहा है, और एक चार्जिंग आईसी ये है। यहाँ पर ये प्रोटेक्शन आईसी है प्रोटेक्शन, और ये ओबीपी आईसी है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल सर्किट है, ये आपकी एलईडी आईसी होगी, एलईडी लाइट, और ये आपके सेंसर्स आईसी होंगी, यहाँ एलईओ जैसे देखने वाले सेंसर्स आईसी होते हैं। ठीक है, ये वाईफाई आईसी है। तो हमको ये रिकवर करना है भाई, काम तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, बट ये पतले निकले हुए हैं, तो बस ये है कि भाई हीट वीट ना दिया हो तो बस, बाकी मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है कि काम ऐसा कुछ ज्यादा हुआ है इसमें, तो फ्रेश बोर्ड लग रहा है, तो इसको रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए इस पे चेक करते हैं कि डीसी मशीन का रीडिंग कितना ले रहा है। तो डीसी मशीन के रीडिंग के लिए आप देखिए,
तो हमें पता चल जाएगा ना कि शॉर्टिंग है नहीं है क्या है। देखिए मैंने अभी कनेक्ट किया है और शॉर्टिंग तो नहीं है फोन में। अब मैं पावर की दबाऊंगा, मैं देखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वहां तक केबल जा नहीं रही है, बार बार केबल निकल रही है। तो देखिए पावर की दबाने पर ये इतना ले रहा है 0.06 और फ्लक्चुएट होके 0 पे आ जा रहा है। ये देखो ठीक है कितना ले रहा है, फिर से दिखा देता हूं। नोटिस करो और फ्लक्चुएशन तो एक शॉर्टिंग होता है, मतलब अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं मामला शॉर्टिंग में भी है। ये जजमेंट मैं कह सकता हूं अनुभव के साथ। तो अब हमने ये देख लिया, अब इसका एक बार एम्पियर भी देख लेते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। एम्पियर में भी शॉर्टिंग पता चल जाती है कि शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है बैटरी लगा के पूरा चेक करते हैं एम्पियर। तो 0.50 ले रहा है। अच्छा तो ये भी ये आपकी एमएमसी का एम्पियर है, मैं आपको दिखा देता हूँ एम्पियर कितना ले रहा है। आई होप दिखा सकूं। देखो यहां पर देखो तो 0.40 समथिंग एम्पियर ले रहा है और 0.50 0.40 अभी ये 0 हो गया है। तो एम्पियर तो भैया ज्यादा ले रहा है, पर मुझे लग नहीं रहा एम्पियर में शॉर्टिंग समझ में नहीं आ रही, बट ये एम्पियर ज्यादा ही ले रहा है। अच्छा लाइट वाइट लाइट ब्लिंकिंग हो रही है यहां पर, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको। तो आप ये कह सकते हैं रेडमी का वाइट लाइट ब्लिंकिंग, ये देखो ठीक है। तो 0.60 पर जा रहा है पर 0.50। अब ये देखते हैं कि ये डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट पोर्ट बनाएगा तो भी मीडियाटेक पोर्ट बनाना चाहिए। तो नोटिस करो और देखो कि पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए पोर्ट तो नहीं बन रहा है, ठीक है ऐसा कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि पोर्ट बन रहा है। वॉल्यूम अप डाउन दबा के भी देख लिया, ठीक है। तो मैटर सीपीयू पे जा सकता है। क्योंकि पोर्ट बन नहीं रहा है। चलो कोई नहीं चेक करते हैं। दोस्तों ऐसी कंडीशन में ना पावर आईसी नहीं उठाना, मैं तो ये समझता हूँ। मैं आपको आज बहुत अच्छी ट्रिक दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पावर आईसी चेंज करेंगे ये करेंगे, बट मैं अगर आप सीपीयू एमएमसी पे काम करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट टेक्निक दे रहा हूँ। पहले आइए इसका थोड़ा सा बूटिंग सीक्वेंस भी समझ लेते हैं, ठीक है क्या बन रहा है, बीपीएच बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है तो सारी चीज जान लेते हैं। तो नोटिस कीजिए तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे वीपीएच बन रहा है, फिर यह कॉलो पर
देखा जाए तो कॉलर पे वोल्टेज बनना चाहिए। तो मुझे पूरी तरीके से बक तो मिल नहीं रहा है, तो अब इसका एक बार सर्किट डायग्राम में देख लेते हैं। हालांकि मुझे सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं है, पर है तो उठाने का कोई मतलब आप लोगों को दिखाने का तो दिखा सकता हूं ना भाई। तो अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम ओपन करूं तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, और यहां पर मैं पहले हायर एलडीओ चेक कर लेता हूं। इस पर नहीं वोल्टेज चेक करना, इस पर वोल्टेज आना चाहिए। इस पर नहीं आ, इस पर भी आ सकता है क्योंकि मॉडेम में कॉल कम का है। इस पर भी आना चाहिए, ये हायर एलडीओ है। तो इसका एक कैपेसिटर देख लेते हैं, ये बाजू में ठीक है। तो ये वोल्टेज बनना चाहिए, ये देखिए ये कैपेसिटर ही निकला हुआ है, कोई वोल्टेज नहीं है। अच्छा ये इधर है नीचे, नहीं तो चलो सीधा सीपीयू निकालेंगे और हमारा बोर्ड चेक करेंगे। ये एक अच्छी ट्रिक दे रहा हूं भाई, समझने वाले समझ जाओ।
तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि डायट बनाने में, कि क्या उठाऊं क्या नहीं उठाऊं, और ये एक्सपीरियंस ना यही डिलीवर करते हैं हम इंस्टीट्यूट में बच्चों को कि अब देखिए, मैं अगर पावर बदलता रहता और तो मेरा फैट काम ना होता और मैं इस बोर्ड को हीट दे दे के ही खराब कर देता। अब देखिए मेरा है ना इस बोर्ड में, ये देखिए, देखो एलडीओ बन गया। अब मेरे बोर्ड में एलडीओ बन गए तो मेरे बोर्ड में सब तरह के जो वोल्टेज हैं वो बन जाएंगे, यहां पर आना चाहिए। देखिए नोटिस करो, देखो 0.8, देखिए 0.8, 0.5, ठीक है, देखो दो वोल्टेज है एलडीओ के मेरे। तो मतलब इसका ये है कि मेरा बोर्ड ओके हो गया है। अब मुझे सिर्फ सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाना है, ये मैटर केवल सीपीयू का था। और अगर वोल्टेज सीपीयू लगाने के बाद भी नहीं बने तो मतलब सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, इसमें सीपीयू खराब हो गया है। बट चलो अभी ये तो नहीं मानेंगे, अभी तो हम सीपीयू को लगाएंगे फिलहाल। देखिए हमारे पीछे भी हमारे को वोल्टेज बन गए होंगे यहां पर, चलो एक बार दिखाता हूं। नोटिस करो एमएमसी के पास, जैसे इस कैपेसिटर पे एमएमसी वीडीडी 1.2 मिलना चाहिए। तो चेक करते हैं, आइए देखिए 1 आ गया। देखिए इस कैपेसिटर में चेक कर रहा हूं 1.2 मतलब 1.2 अप्रोक्स आ गया। तो हमारा काम हो गया है, अब हमारे सारे वोल्टेज बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब केवल सीपीयू को रिवॉल्व करना है और लगाना है बस। कर चलो इसको करेंगे सेकेंड आप में, कुछ खा पी लें। तो चलिए सेकेंड हाफ इस वीडियो का, आजकल थोड़ा इंटरवल में वीडियो बना रहा हूं, वीडियो पहला पार्ट अलग दूसरा पार्ट अलग, तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों सिर्फ एक खाली एक मोबाइल बनाना ही नहीं रहता हमारे पास। तो सीपी बिठाएंगे, तो सीपीयू लग गया है। आई एम श्योर कि फोन अभी वन टाइम में ऑन होना चाहिए, क्योंकि इस फोन का डायग्नोस बिल्कुल ओके है, और जो हमने तरीका यूज किया है अपने एसर टेलीकॉम का डायग्नोस करने का, वो काफी माइंड ब्लोइंग है, अलग ही लेवल पे है। और जैसे आप अपने डायट सेट को चुटकी में पकड़ लेंगे कि सर कैसे डायट है, और बिलीव मी कभी भी आप डायट सेट में तो बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे, इस बात की गारंटी है। हुआ
तो दोस्तों ये मोबाइल में सीपीयू लगाने के बाद सेम रीडिंग आई, फोन ऑन नहीं हुआ, वो मेरा वीडियो बंद हो गया था, फोन ऑन नहीं हुआ, सेम रीडिंग आ रही है और डीसी मशीन का भी सेम रीडिंग है, इवन चार्जिंग का भी सेम रीडिंग है, फोन ऑन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा सीपीयू खराब है, क्योंकि सीपीयू लगाने के बाद में वापस हमारा जो एलडीओ सेक्शन है वो बंद हो गया है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि इस फोन में हमारा ये देखिए एलडीओ सेक्शन अभी भी नहीं बन रहा है, ये देखिए, और बैट आईडी पर हमारा 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए, क्योंकि बैट आईडी पर जो वोल्टेज आता है वो वीआईओ से आता है। देखिए ये बन रहा है 2.7 जो कि थर्म की लाइन से आते हैं, क्योंकि पावर सही है, पर ये वीआईओ की लाइन से नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें पावर तो ओके, क्योंकि अगर मैं सीपीयू निकाल दे रहा हूँ तो मेरे सारे बग बन जा रहे हैं, पावर तो ओके है पर मेरा सीपीयू लगाने पर मेरे बग नहीं बन रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें सीपीयू का लोचा है। उसका सीपीयू लगाएंगे बट ऐसे कंडीशन में, अब देखेंगे कि विदाउट फ्लैश या कुछ हम क्या इसको ऑन कर पाते हैं, देखते हैं, नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब समझो कि हमें इसका प्रोग्रामिंग करके इसको ऑन करना पड़ेगा। कंपोनेंट तो सारे लगे हैं, कहीं से कोई निकला नहीं है। तो एक बार हम सीपीयू चेक कर लेते हैं कि हमारा सीपीयू ओके है कि नहीं। दोस्तों सीपीयू चेक करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, तो एक बार मैं सीपीयू चेक कर लेता हूं। और देखते हैं कि सीपीयू लगाने के बाद दूसरे किसी सेट में हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा काम यहाँ बढ़ गया है, अब हमें ये सीपीयू निकालना है। तो ये सीपीयू को निकालता हूँ मैं, और निकाल कर इसको रिवॉल्व करता हूँ। तो निकालने का पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, रिवॉल्व करने का पार्ट मैं दोस्तों कट कर रहा हूँ, क्योंकि रिवॉल्विंग का पार्ट का कोई मतलब नहीं है, हमें रिजल्ट देखना है। निकाल के एक बार आपके सामने दिखा देता हूँ, बाकी रिवॉल्विंग का पार्ट मैं कट कर दूंगा और सिर्फ सीपीयू लगाऊंगा उसके बाद। मीडियाटेक में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है वो आता है वीआईओ,
VIO शॉर्ट हो जाता है CPU का, और यही वजह है कि आपके बग बनना बंद हो जाते हैं। तो हमारे CPU का भी VIO शॉर्ट हो गया था, मैं आपको बहुत आसानी तरीके से VIO को ढूंढना बताऊंगा क्लास के अंदर। आपको बिना किसी डायग्राम के VIO मिल जाएगा, बिना किसी भी डायग्राम के। तो चलिए, अब हमारे पास दो CPU हैं, एक ये जो हमने निकाला है और एक ये जो हम, ठीक है, दोनों ही सेम नंबर के, आप देख सकते हैं, एक 43 है, एक 31 है, वर्जन देख लीजिए आप, तो मुझे मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये 43 मेरे जो लगा हुआ था और ये 31 है। अच्छा, सेम मॉडल है, उसके बाद भी वर्जन देखो अलग है, डिफरेंट है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि वर्जन डिफरेंट है, ये मॉडल इसमें लगेगा या नहीं लगेगा ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वर्जन अलग है। चलो, तो कोई नहीं, देखते हैं चेक करके, बनेगा तो बनेगा, नहीं तो सीखेंगे। मैंने क्या बोला, मैं CPU रिवॉल्व करने का और वीडियो कट कर रहा हूं, मैं इसको रिवॉल्व करके बोर्ड में लगाने तक का वीडियो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमने हमारा CPU रिवॉल्व कर लिया है और MediaTek है, थोड़ा सा एक आध दो माइक्रो जम्पर भी लगाए क्योंकि इसके पैड आपको पता ही हैं, आप जिन्होंने काम किया होगा, काफी सब मतलब लूज से होते हैं, बिल्कुल निकल ही जाते हैं, तो हमने तो माइक्रो जम्पर भी किया है एक दो जगह। खैर, तो अब CPU लगाने की बारी। यहाँ हमने दो लाइन छोड़ी है, ये हम पहले अपना फोन को एक बार चेक कर ले कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर से हम वापस निकाल के बढ़िया से हम कर सकते हैं। बढ़िया, अभी यहाँ पर ये जो लाइन है ये नेटवर्क से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो फिलहाल अभी इस लाइन की जरूरत भी नहीं है, फोन को इस लाइन के बिना भी फोन यूज किया जा सकता है। तो चलिए CPU लगाते हैं दोस्तों। CPU लगाने के बाद में ये फोन ऑन नहीं होगा क्योंकि हमने CPU चेंज किया है, यहाँ पे हार्डवेयर आईडी हो सकती है, पर अगर हम इसमें से मॉडिफिकेशन करें बोर्ड में और कुछ कंपोनेंट बाहर कर दें तो हमारा हो सकता है मे बी CPU ऑन हो जाए, पर ये अगर अपडेट वर्जन का रहा तो नहीं होगा, ये केवल लोअर वर्जन में हो रहा है। चलिए,
तो कोशिश, बट अगर हमारा वी आई और बीबी शॉट निकला तो मैं ये मानूंगा कि ये जो वर्जन है ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ 1931 है और अभी हम जिससे पहले हमारा सीपीयू था आ गया, ये 1943 था। सबसे पहले वी आई ओ लाइन चेक करेंगे, और अगर वी आई ओ लाइन शॉर्ट नहीं निकली तो फिर सबसे पहले एलडीओ लाइन चेक करेंगे, और अगर एलडीओ लाइन ओके निकला तो फिर मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर देखेंगे ऑन करके। दोस्तों ध्यान रखना, हमने सिर्फ सीपीयू चेंज किया है, एमएमसी नहीं। वीआईओ लाइन चेक करते हैं, आशा है कि ना हो बीप, क्योंकि फिर मेरे पास सीपीयू नहीं है दूसरा भी। चलो वीआईओ लाइन तो शॉर्ट नहीं है फिलहाल, चार्जर लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए चेक करेंगे कि, तो देखिए चेक करेंगे कि हमारा हमारा देखेंगे चेक करेंगे कि हमारा एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अरे वाह, तो हमारा एलडीओ भी बन गया है, वेरी गुड। अब बस ये है कि मॉडिफिकेशन हो जाए सही तरीके से। अभी मैं तो डायरेक्ट चेक कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं तो, क्योंकि मैंने सीपीयू चेंज किया है, मैं मॉडिफिकेशन करूँगा और चेक कर रहा हूँ कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 0.60 ले रहा है, जो कि एक एमएमसी की रीडिंग है। अरे वाह, ये देखिए दोस्तों ऑन हो गया, क्या बात है। तो यहाँ हमने सिर्फ सीपीयू चेंज किया है, ध्यान रखना सिर्फ सीपीयू चेंज किया है, और इसको परफेक्ट डायग्नोस करके हमने इसको ऑन किया है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। अब हम इसको देख लेते हैं पूरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पूरा एक परफेक्ट सोल्यूशन आपको दिखा दूँ। तो मीडियाटेक नोट 8 प्रो हमने यहाँ पर सीपीयू चेंज किया है, ओनली सीपीयू, वो भी वर्जन आप देख रहे हैं, हमने 3143 था, हमने 3141 डाला है। ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और मेरे ख्याल से ऐसे वीडियो YouTube में बहुत ही कम है, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहेगा, और मैं गारंटी दूंगा उन उन बच्चों की जो मेरे पास आएंगे सीखने के लिए, वो सारा ये काम कर पाएंगे 102%। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर है ना सेट रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप समझो रीस्टार्ट होने का वजह क्या है, क्योंकि हार्डवेयर आईडी होती है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये देखिए रीस्टार्ट हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर चला गया है, रिकवरी मेन्यू में चला गया है और रिब्यूट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें है ना एक मॉडिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद हमारा ये बिना ये रिबूट या, क्योंकि जब 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 हम पावर की दबाएंगे बार बार इसी पे आ जाएगा, तो देखते हैं करके, अगर नहीं होगा तो हम एमएमसी चेंज करेंगे किसी नए वीडियो में। फिलहाल तो हमारा टारगेट जो था वो पूरा हो गया और हमारा सीपीयू ऑन हो गया है। हमने यहाँ पे कुछ माइक्रो जम्पर भी लगाए थे, मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए एक माइक्रो जम्पर आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने वीडियो में स्किप किया था क्योंकि मतलब वीडियो लंबा हो जाता, और दो माइक्रो जम्पर यहाँ पे किए थे और कुछ एक दो माइक्रो जम्पर मैं छोड़ दिए थे। रीजन ये है कि वो नेटवर्क सेक्शन के थे और फिलहाल वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सीपीयू का वर्जन 1931, और जो हम इसके पहले जो हम सीपीयू देख रहे थे इसमें लगा हुआ था वो था 1943। सो अब नोटिस करो, हमने दो अलग अलग वर्जन के सीपीयू लगाए हैं, फिर हमारा फोन ऑन हो चुका है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि
हमारा जो केस है वो सक्सेस हो गया है, बट हम डाटा रिकवरी नहीं कर पाए, ये एक दुख है। चलो एक बार मॉडिफिकेशन देख लेते हैं इसमें। तो मॉडिफिकेशन बहुत इजी है इसका, बट वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने मॉडिफिकेशन कर लिया है, कुछ कॉम्पोनेंट रिमूव करने थे वो कर दिए मैंने। अब मैं देखता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा है, मेरे लिए भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा क्योंकि इस सीपीयू में पहली बार ये मैं कर रहा हूँ। मीडियाटेक में कर चुका हूँ, मतलब कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए फोन हमारा ऑन है, और अगर ये पूरा ऑन हो जाता है तो हम सक्सेसफुल हैं। देखिए अभी भी ये उसी में जा रहा है, तो मैं रिबूट कर देता हूँ, देखता हूँ। और नहीं होगा तो ये मान के चलो कि मॉडिफिकेशन इसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो हम इसका MMC चेंज का हम कंडीशन करेंगे। बट अभी फिलहाल हमारा जो पहला मेन प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया है, हमारा फोन ऑन हो चुका है। एटलीस्ट ये फोन अब कूड़े में तो नहीं जाएगा। फोन हमने ऑन किया है, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छा डायग्नोस है, डायरेक्ट सोल्यूशन दिया हुआ है, आपको बहुत मजा आएगा। और आप वीडियो देखेंगे तो आपको खूब मजा आएगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डीप लेवल पे समझाया है, CPU चेंज किया है, और देख ली बार बार यही आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ये रीस्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सेकंड लोगों पर आकर, तो मतलब हमें यहाँ पर MMC पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और इसका सेकंड पार्ट कैसे इसको चाहिए MMC का मुझे ये भी बताइए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट मैं मिलन सर के थ्रू लाऊंगा, वो हमारे MMC प्रोग्रामर है एशिया टेलीकॉम के, और इंडिया के सबसे जाने माने MMC प्रोग्रामर है। वो बहुत अच्छे से इजीली से इसको प्रोग्राम करके आपको बताएंगे, और इसी को हम चालू करके भी सिक्योरिटी डबल सिम आपको हम दिखाएंगे। चलो ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया है, नोटिस कीजिए दोस्तों। यहां पर जिसमें BPH ओके था पर बक नहीं बन रहा था, और नो पावर मतलब डेड फोन था। और अगर मैं बात करूं यहां पर मैंने बिल्कुल भी पावर को नहीं छेड़ा, कहीं पे भी कुछ नहीं किया। नहीं तो अब तक कोई और तीसरा चौथा टेक्नीशियन होता तो वही अब तक तो हीट दे देता, पूरा बोर्ड को गला देता, मतलब बेकार ही कर देता, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी बक लाइन चेक की और मैंने अपना सारा वोल्टेज बूट सिक्वेंस चेक किया, जो मुझे लगा कि इसमें CPU का फॉल्ट है। हालांकि मैंने पहली बार VIO चेक नहीं किया था, पर फिर भी मैंने CPU को निकाला, और CPU को निकाल कर ये मेरा CPU का वर्जन था। आप पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, 85785 वर्जन ये है 1943, और ये CPU इस तरह से लगा हुआ था दोस्तों। फिर ये CPU निकाला, फिर ये लगाया, तो मैंने देखा कि VIO शॉर्ट है मेरा, तो VIO शॉर्ट मतलब जो CPU से ही होता है। और जनरली फिर मैंने CPU, अब क्योंकि आप ये सोचेंगे सर आपने CPU के अंदर ये CPU को ड्रिल क्यों नहीं किया आपने, या CPU के अंदर कोई पैड लाइन पे UV ग्लू लगा के क्यों नहीं किया, तो मैं ये भी बता दूं कि मेरे भाई वो तब होता है जब किसी एक पैड पर हो, जब आपके CPU के सारे पैड पर, बहुत सारे पैडों पर ये लाइन होती है, तो ये काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अब हमने यहाँ पर ये IC निकाल दी है और इस IC को चेंज किया, और 1931 में हमारा CPU ऑन हो गया। बट अभी हमको काम क्या करना है, हमको इसको ऑन करना है बकायदा। SKINS का IC लगा हुआ है, तो हम इसको इसका रीप्रोग्राम करके, इसकी इंजीनियरिंग फाइल इसका रीप्रोग्राम करके, मॉडिफिकेशन फाइल डाल के इसको ऑन करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो, एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जिसको कोर्स अटेंड करना है वो कॉल कर सकता है, अगर कोई बाहर का भी है तो वो भी कॉल कर सकता है।